जय हिंद फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर एर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो, क्योंकि उनका रिजल्ट एर्थ सेमेस्टर का आउट हो चुका है और जो काफ़ी ही मेहनत के साथ रिजल्ट आया हुआ है, काफ़ी चक्कर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के लगाए तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट आज जारी करा पाया हूँ। तो आपको साइट पर जाकर चेक कर लेना है और फाइनल मेरिट आपकी CGPA जो है वो दिख रही होगी, तो वहाँ से आपको चेक कर लेना है। और आपको बता दूं कि जिनके जिनके बैक लगी थी और बैक अभी तक क्लियर नहीं हुई है, उनकी मेरिट CGPA आपकी 0 शो हो रही होगी, तो उनको परेशान नहीं होना है, उनको यूनिवर्सिटी जाकर अपनी बैक जो है क्लियर करानी है और वहाँ से आप क्लियर जब करा लेंगे तो आपका CGPA जो है दिखने लगेगा। अब नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कि TA फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है, जो इसकी लास्ट डेट 31 मई है, तो आपको उसमें फॉर्म ऑनलाइन कराना है क्योंकि जिन्होंने 2023 में पेट दिया हुआ था, 2023 में पेट परीक्षा दी हुई थी, तो वो फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं जिनका रिजल्ट फाइनल आ चुका है, तो वो आज और कल में वो फॉर्म को अपने ऑनलाइन करा लें। 31 लास्ट डेट है तो वहाँ तक आप ऑनलाइन करा सकते हैं। और उसमें फ़ाइनल जो डेट डाली जाएगी रिजल्ट के लिए डिस्पैच डेट, तो उसमें आप जिस डेट में आपका रिजल्ट आया है एर्थ सेमेस्टर का उसमें वो डेट डाली जाएगी। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कब जो है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप लोगों का बहुत ही जल्द रिजल्ट फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जारी होने वाला है, 2 ही 4 दिनों में, जैसा कि लग रहा है यूनिवर्सिटी में जाकर कि 2 ही 4 दिन में आपका फर्स्ट और थर्ड सेम का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक रिजल्ट निकालना नहीं जानते हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को चेक कर लेंगे कैसे रिजल्ट आपको अपना देखना है। और जो पहला आपका इसमें सीज़न आएगा, सीज़न में आप 2023-24 सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा आएगा कोर्स टाइप में आप UG भरेंगे, और एग्ज़ाम टाइप आएगा उसमें रेगुलर आपको भरना रहेगा, और कोर्स आएगा उसमें BSc AG ऑनर्स भरना रहेगा, और ईयर और सेमेस्टर में आएगा तो सेमेस्टर में आपको यदि 7th का निकालना है तो 7th सेलेक्ट करेंगे, और 8th का निकालना है तो 8th, 5th निकालना तो 5, और 3rd निकालना 3rd, और यदि 1st का निकालना है तो 1st आपको सेलेक्ट करना रहेगा। और इसमें रोल नंबर टाइप करके आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 8th सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि TA का फॉर्म की अभी तक डेट चल रही है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग TA का फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।